आज तक की CSGO हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रांसफर हुआ। डिवाइस लीव्स एस्टिलिस फॉर निंजाज इन पैजामास। इट्स अबाउट अ हुपिंग मिलियन डॉलर ट्रांसफर्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम दैनिश CSGO वेबसाइट dust2.dk। यहाँ एस्टिलिस ने गुड बाय थैंक यू वीडियो यूट्यूब के चैनल पर डाला। वहीं NIP ने डिवाइस को वेलकम करते हुए बैक सीन्स का वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया। एस्टिलिस अभी तक की सबसे बेस्ट टीम रही है, अब उसको इस ट्रांसफर के बाद कहना मुश्किल होगा। डिवाइस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन CSGO कॉम्पिटेटिव सीन। उसके कारण एस्टिलिस को 4 मेजर टाइटल्स मिले हैं। बट नाउ आफ्टर दिस ट्रांसफर CSGO कॉम्पिटेटिव सीन आगे और भी इंटरेस्टिंग होगा। लेट्स सी व्हाट चेंजेस इट ब्रिंग्स टू द मेजर कमिंग मैचेस। रेसिडेंट इविल विलेज लॉन्च। लास्ट ईयर PlayStation 5 के रिवील में रेसिडेंट इविल विलेज को पहली बार सरप्राइज के तौर पर फैंस के लिए अनाउंस किया गया था। इतने वेट कराने के बाद अब फाइनली गेम में 7 को रिलीज कर दी गई। रेसिडेंट इविल विलेज को अपने सीरीज के कंटिन्यूएशन में FPP मोड में बनाया गया है। इसी के साथ में इसका मल्टीप्लेयर मोड RE:Verse इस सीरीज की 25th एनिवर्सरी मनाते हुए रिलीज किया जाएगा। इसमें 4 से 6 लोग साथ में डेथ मैचेस खेल सकते हैं। ये इस समय तक लॉन्च के लिए रेडी हैं। रेसिडेंट इविल विलेज PC, PS4, PS5, Xbox सीरीज S/X और Xbox One पर अवेलेबल होगी। रिव्यू ऑफ रेसिडेंट इविल विलेज। रेसिडेंट इविल विलेज की स्टार्टिंग के 6 से 7 आवर्स पूरी सीरीज के बेस्ट आवर्स हैं। इस गेम की ओपनिंग में हॉरर, एक्शन, एक्सप्लोरेशन और पजल सॉल्विंग का बहुत ही बढ़िया ब्लेंड किया है, लेकिन इस सीरीज के सेकेंड हाफ में जाते जाते गेम सेम मोमेंटम मेंटेन करने में नाकाम रहती हैं। फिर भी इसको एक बढ़िया सीरीज कहा जाएगा, क्योंकि कैपकॉन ने इस गेम को इतना इंटरेस्टिंग और वर्थ टू प्ले बनाया है कि इसका मज़ा सब एक बार ज़रूर लेना चाहेंगे और एंड तक खेलना कोई भी रिग्रेट नहीं करेगा। रेसिडेंट इविल विलेज से प्लेयर्स को थोड़ी थोड़ी रेसिडेंट इविल 4 को मॉडर्न लुक से रीमेक देकर बनाने की भी वाइब्स आती हैं, जो कि एक नॉस्टैल्जिया का टच देकर गेम को प्लेयर्स से और जोड़ कर रख सकती हैं। डेज गॉन कमिंग टू PC ऑन May 18। सोनी इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट अब पूरी तरह रेडी है अपने PS एक्सक्लूसिव गेम डेज गॉन को PC में रिलीज करने के लिए। ये गेम PC प्लेयर्स के लिए स्टीम और इपिक गेम्स स्टोर पर प्री ऑर्डर के लिए अवेलेबल कर दी गई हैं। हॉरिजन जीरो डॉन और डेथ स्टैंडिंग के बाद अब डेज गॉन जैसे PS एक्सक्लूसिव गेम धीरे धीरे PC के लिए अवेलेबल होना अपने आप में PC गेमर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एक नया ट्रेलर लॉन्च करते हुए PC वर्जन के इम्प्रूवमेंट को मेनली हाईलाइट किया गया है। PC वर्जन में अल्ट्रा वाइड मॉनिटर्स के सपोर्ट के साथ अनलॉक्ड फ्रेम रेट और इम्प्रूव ग्राफिकल डिटेल का भी देखने को मिल सकता है। न्यू मैप इन वैलोरेंट। राइट गेम्स ने हाल ही में एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ब्रीज नाम से वैलोरेंट का नया 6th मैप Episode 2 Act 3 बैटल पास के साथ रिलीज कर दिया है। ब्रीज मैप एक बीच थीम्ड मैप है जो कि बरमुडा ट्रायंगल के सदर्न पार्ट में सेट किया गया है, जिसमें काफ़ी ओपन स्पेस और वाइड एंगल्स हैं, जिससे आप वैलोरेंट प्लेयर्स अपना एम टेस्ट रेंज में काफ़ी ईजिली कर सकते हैं। इस न्यूज़ के आते ही वैलोरेंट प्लेयर्स एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन किसी न्यू एजेंट के ऐड ना होने से थोड़े प्लेयर्स डिसअपॉइंट भी हो सकते हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को न्यू एजेंट के एडिशन के लिए Episode 3 का वेट करना पड़ सकता है, लेकिन वैलोरेंट ने अभी अपनी तरफ से फैंस को रिटर्न देने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, क्योंकि उनके फेवरेट प्रो प्लेयर्स वैलोरेंट की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऑफिशियल लैंड टूर्नामेंट में कम्पीट करेंगे, और वो भी नए ब्रीज मैप पर। बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया कमिंग सून। इंडिया में पबजी मोबाइल के फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। गवर्नमेंट के पबजी के ऊपर बैन के बाद 1 साल से आ रहे र्यूमर्स के बीच अब फाइनली क्राफ्टर ने पबजी फैंस को सरप्राइज देते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया है कि पबजी मोबाइल का इंडिया में रिटर्न होगा बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से। हालांकि अभी कंपनी की तरफ से एग्जैक्ट रिलीज डेट नहीं बताई गई है, लेकिन कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये गेम मई या जून तक रिलीज़ हो सकती है। पबजी मोबाइल इंडिया ने अभी अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स से पुराने पोस्टर डिलीट कर दिए हैं। रिलीज़ के पहले गेम प्री रजिस्ट्रेशन के लिए अवेलेबल होगा और यूज़र्स Google Play Store या Apple App Store पर प्री रजिस्टर करके गेम को डाउनलोड करने का वेट कर सकते हैं।